हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको अपना गांव दिखा रही हूँ। दिन के बज रहे हैं 12 और अभी मैं गांव में मतलब ऐसे ही काम से आई थी, तो मैंने थोड़ा व्यू की वीडियो बना दी गांव के सामने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केले के पेड़ हो रखे हैं और सामने से चौरा दिखाई दे रहा है और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी दिखाई दे रहा है। और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है आज, बिल्कुल पैक हो रखा और सामने से बारिश जैसी आने वाली है। पूरा बंद हो रखा मौसम और धूप कहीं दिखाई नहीं दे रही है और सामने गोचर की तरफ से भी काफी कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं गांव का हरा भरा माहौल। आजकल धान वगैरह सब काफी बड़ा हो गया है और बादल काफी गिरे हुए हैं और धान जंगूरा खुदा वगैरह आजकल काफी बड़ा हो गया है। फसल काफी अच्छी हो रखी है और ये देख सकते हैं आप पहाड़ी केला, ये काफ़ी बड़ा हो रखा है। और ये वीडियो मैंने बहुत पहले क्लिक किया था, उस समय मुझे ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था और अब मैं ब्लॉग बनाना सीख गई हूँ। तो अब उन पार्ट्स को यहाँ मैं मतलब बीच बीच में ऐड कर लेती हूँ जो इम्पोर्टेंट लगती है मुझे। तो ये बड़ा वाला किला है जो बिल्कुल मैच्योर हो चुका है और कुछ दिन बाद लोग इसे मतलब निकाल लेंगे जिनका ये केला है और पकाने के लिए रख देंगे। केला बहुत ही हेल्दी होता है और पहाड़ी केला मोटे होते हैं और थोड़ा छोटे होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। एक दो केले खाने से ही पेट भर जाता है। पहाड़ी केले की मतलब कच्चे केले की सब्जी बनाई जाती है और इसमें काफ़ी कैल्शियम पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है और ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। पहाड़ी केले में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यह मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कमज़ोर लोगों के लिए अच्छा होता है और वज़न बढ़ाने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो जिन लोगों को कब्ज़ वगैरह पेट में रहती है तो ये केला खा सकते हैं। केला खाने से कब्ज वगैरह दूर हो जाती है और क्योंकि इसमें अच्छी मतलब फाइबर क्वालिटीज़ होती हैं जो कि पेट को साफ कर लेती हैं और शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करती है। और ये वाला केला इसमें काफ़ी चार पांच मतलब काफ़ी आए हुए हैं और अभी केले बहुत छोटे हैं क्योंकि इनमें फ्रूटिंग हो रही है और कच्चे केले की सब्जी बनाई जाती है। और ये भी यहाँ पे हमारे मोहल्ले में मतलब चाची लोगों का देवता है, यहाँ पे नरसिंह भैरव देवता के सामने, तो यहीं पे इन्होंने केला लगाया हुआ है। पहले सिर्फ एक पेड़ था और अब ये काफ़ी फैल चुका है और इस बार काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है केले में। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसमें कितने केले लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग जगह केले, ये एक ये है जो कि रास्ते में से साफ रोज दिखाई पड़ता है। और केले के पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं तो इनमें मतलब पौधा खाना भी अच्छे से बना लेता होगा। क्लोरोफिल काफ़ी पर्याप्त मात्रा में रहता है और पौधा खाना बहुत अच्छे से बना लेता है। जिस पौधे की जितनी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं उस पौधे में उतना ज़्यादा खाना बनता है, उतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है। और ये देखिए दो इधर से दिखाई दे रहे हैं तो ज़्यादा खाना बनने की वजह से केले में इसीलिए बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है पहाड़ी किला। ये है पहाड़ी किला मालियन बनाना, मालियन फ्रूट बनाना। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। गाइस काफ़ी टाइम बाद मैंने मतलब ब्लॉग बनाना अभी सीखा है, तो रेगुलर डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे भी बीच में काम आ जाते हैं और टाइम हो भी नहीं पाता। तो अभी ब्लॉग को रखती हूँ इतना ही। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप भी खूब पहाड़ी केले उगाइए और केले खाइए और अपनी सेहत बनाइए। और हमें भी भेजना अगर आपके यहाँ पहाड़ी केले हैं, तो मुझे पहाड़ी केले की सब्ज़ी बहुत पसंद है।